हेलो नमस्कार, वेलकम टू शैंडर मथुरा चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी लॉ कॉलेज पुणे के बारे में। उसका जो है आप फॉर्म अब तक फिलअप नहीं किया, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। लास्ट ईयर का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कंप्लीट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। फी कितनी है, सीट कितनी है, ये सारे डिटेल। लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ये देना था आपको जो है कि इस बार 2022 वाले एडमिशन में जो है MSCET के थ्रू ही एडमिशन होता है। यू नो दैट ऑल्सो, अगर नहीं जानते हो तो लास्ट ईयर का वीडियो तो देखा ही होगा जिसने भी अपीयर किया होगा। अभी आपके पास मौका है, अगर आप आर्मी पर्सनल वार्ड से बिलोंग करते हो, आपके फादर या मदर कोई भी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जब तक रिजल्ट MSCET का डिक्लेयर होता है तब तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करने रहेंगे इसके फॉर्म के समय। आपको इसमें जो है MSCET का जो है एंट्रेंस रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है, और उसके मार्क बाद में आपको फिलअप करने होते हैं। तो रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा उसके बाद मेरिट लिस्ट आपको जो है जारी किया जाता है ALC पुणे द्वारा, उसी के आधार पे आपको काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। तो अगर आपने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, लास्ट डेट का वेट कर रहे हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि फॉर्म का डेट निकल चुका है, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ मैं। आप अभी जो है ALC पुणे का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये एक बेनिफिट है ALC पुणे के लिए। MSCET के थ्रू ही एडमिशन होता है इसमें, तो आप MSCET का एग्जाम एंट्रेंस अपियर किए होगे और आपने बेहतरीन स्कोर किया होगा। देखो 150 क्वेश्चन में से अगर आपके जो है 70 और 80 के बीच के मार्क आते हैं तो आप डेफिनेटली विल गेट ALC पुणे, क्योंकि ALC पुणे में केवल आर्मी पर्सनल वार्ड्स के लिए जो 60 सीट के लिए LLB के लिए अवेलेबल है वो सारे के सारे रिजर्व है आर्मी के लिए ही। सिविल कैटेगरी का कोई सीट अवेलेबल नहीं है, तो जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वही अप्लाई करना है इसको जो है, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो। और बाकी जो है मुंबई के जो कॉलेज हैं बेस्ट कॉलेजों में, JLC मुंबई है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, ILS पुणे है, ये सब एक बेस्ट कॉलेज हैं, तो इसको जरूर प्रीफर कीजिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी में। उसके बाद ही किसी अदर लॉ कॉलेज को कंसिडर कीजिएगा जो बेहतरीन है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ टॉप 5 कॉलेज के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। जो कोई डाउट है प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।